बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह और बहुत ही अच्छा खाना और बहुत ही टॉप क्लास खाना है और हॉस्पिटैलिटी की भी क्या ही बात है। ये बड़ा अच्छा एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है बर्तानिया को मद्देनजर रखते हुए। आउट क्लास खाना, बड़ा कमाल का एनवायरनमेंट। फूड स्टफ चेक किया, बहुत अच्छा फूड है और मैं समझता हूँ कि सियालकोट लेवल पे इस लेवल का फूड कहीं पे भी दस्तयाब नहीं है। शहर इकबाल के मकीनों के लिए फूड्स की दुनिया में आला मेयार और वक़ार, सफाई और सुथराई समेत जाक़े में आला क्वालिटी का नाम, ब्रेड्स पिज़्ज़ा एंड कॉफ़ी शॉप का खूबसूरत अंदाज से आगाज़। जी मैं रिजवान सुलेरिया साहब का बेहद मशहूर हूँ जिन्होंने आज यहाँ पे ब्रेड्स पिज़्ज़ा में बुला के बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त अफजाई और हौसला अफजाई की और यहाँ पर जो हमने खाना खाया माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। एक बहुत ही खूबसूरत इन्वायरमेंट है, एक पूरी दीवार पे माशाल्लाह यूके की हिस्ट्री भी है और एक पाकिस्तान का एनवायरनमेंट भी है, यूके का एनवायरनमेंट भी है और वैसे भी एक बहुत ही खूबसूरत एक क्लोज़ टू कचहरी है और बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह और बहुत ही अच्छा खाना और बहुत ही टॉप क्लास खाना है और हॉस्पिटैलिटी की भी क्या ही बात है। यहाँ का स्टाफ यहाँ के बाकी सारे मामला माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, मैं इनका बेहद मशहूर हूँ। एबट रोड पर वाकया ब्रिट्स पिज़्ज़ा एंड कॉफ़ी शॉप की ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया। सियालकोट के मारूफ बिजनेसमैन बरिस्टर चौधरी रिजवान सिलहरिया ने आने वाले मुआज़्ज़ज़ मेहमानों का रवायती अंदाज में फूलों के गुलदस्ते से शानदार इस्तकबाल किया। तो आज यहाँ पे एक प्रोग्राम था जिसमें हमने शिरकत की, तो ब्रिट्स कैफ़े को हमने आज फूड स्टफ चेक किया, बहुत अच्छा फूड है और मैं समझता हूँ कि सियालकोट लेवल पर इस लेवल का फूड कहीं पर भी दस्तयाब नहीं है। बिल्कुल फ्रेश, अच्छा, इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हैं और इनका बनाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है और इनकी एक ऑफ़र है कि आप कभी भी किसी भी वक्त किचन को विज़िट कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ ये तो कोई भी अलाउ नहीं करता अपने किचन में जाने के लिए। वो इनका कॉन्फिडेंस है कि वो बड़े अच्छे तरीके से फूड को बना रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता फरमाए और ऐसे ही अपने फूड को स्टैंडर्ड को मेंटेन करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी चौधरी मोहम्मद आसम कमाल इकबाल, उम्मीदवार सदर बार एसोसिएशन समेत ओल्ड बॉयज़ के सदर मियाँ मोहम्मद औरंगज़ेब आलमगीर की खुसूसी शिरकत। मियाँ औरंगज़ेब ओल्ड बॉयज़ पैलेटेरियन और ओल्ड बॉयज़ पैलेटेरियन के जो बानी हैं हमारे चौधरी रिजवान सिलहरिया साहब, ये उनका रेस्टोरेंट है ब्रिट्स पिज़्ज़ा के नाम से। आज उन्होंने अपने बार के दोस्तों को सबको इनवाइट किया था और ये बहुत शानदार एक सेरेमनी, एक छोटी सी तकरीब की उन्होंने और इसमें इनके अपना फूड टेस्ट करवाया। इनके फूड जो है ना शहर में नया डेवलप किया है उन्होंने, इसका अंदाज़, इनका किचन भी ओपन है, हर चीज़ नीट एंड क्लीन है और हम इनके शुक्रगुजार हैं। इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम जो है ना लोगों को लिए एक नया टेस्ट दिया है, नया इस शहर में एक नया उन्होंने अंदाज दे दिया है। तो हम तो लोगों से, शहर वालों से अपील करेंगे कि आप आएँ, विज़िट करें और डिस्काउंट भी हासिल करें और पिज़्ज़े को और सब चीज़ों को टेस्ट करें। ब्रेड्स पिज़्ज़ा की मैनेजमेंट का कहना है कि हमने शहरियों की सेहत और फूड्स के तमाम SOPs को मद्देनज़र रखते हुए इंटरनेशनल मेयार को फॉलो करते हुए अपनी बेहतरीन सर्विस का आगाज़ किया है। मैं हूँ रिजवान सुलेरिया, सोलिसिटर इंग्लैंड एंड वेल्स, लंदन में प्रैक्टिस करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि सियालकोट में ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो लोगों के लिए, स्पेशली अगर आप एबट रोड, पैरिस रोड और उसके अलावा कमिश्नर रोड और खादम अली रोड पर देखें तो ऐसा कोई जगह नहीं है जिधर आप बैठ के फैमिली के साथ फास्ट फूड इंजॉय कर सकें या कॉन्टीनेंटल खाना खा सकें। ये बड़ा अच्छा एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है बरतानिया को मद्देनज़र रखते हुए, उसकी सारी चीज़ों को देखते हुए और ऑब्वियसली जो फूड क्वालिटी है उस पर भी कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं है। किचन ओपन है, किसी वक्त भी लोग
आ सकते हैं, किचन में विजिट कर सकते हैं मेंबर ऑफ स्टाफ से रिक्वेस्ट करके। और अल्हम्दुलिल्लाह इधर पार्टीज़ भी हो रही हैं, लोग भी आ रहे हैं, और इन्होंने 50% डिस्काउंट भी ऑफर किया हुआ है। सो वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल ऑफ सियालकोट। मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो रेस्टोरेंट हैं वो जगह जगह ओपन होने चाहिए ताकि लोगों को एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिल सके, और जो फूड के इश्यूज़ हैं लोगों को स्पेशली हेल्थ के वाले से, अगर इंग्रेडिएंट सही होंगे तो कोई वजह नहीं कि अच्छी हेल्थ जो है वो ना हो सके। तो इस तरह के रेस्टोरेंट्स जो हैं वो लोगों की एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करने में अहम किरदार अदा करते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस रेस्टोरेंट का ना सिर्फ इन्वायरमेंट अच्छा है बल्कि फूड भी बहुत अच्छा है, और स्पेशली इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ करते हैं वो इनके अपने मेन्यू पर भी दर्ज है, वो बड़ी स्पेशल जो कंपनी है उनसे यूज़ करते हैं। तो ऑब्वियसली, और उसके अलावा रेट्स बड़े मुनासिब हैं, स्पेशली डिस्काउंट्स हैं लॉयर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए। तो इट्स अ वंडरफुल इवेंट, मतलब वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल ऑफ सियालकोट के वो यहाँ पे आएँ और आके फूड इंजॉय करें। प्राइवेट बंदों के लिए भी डिस्काउंट है कि सिर्फ सरकारी मुलाजम के लिए डिस्काउंट है? मुख्तलिफ डिस्काउंट ऑफर्स मैं समझता हूँ कि ये लगाते रहते हैं, जिसमें सरकारी लोगों के लिए भी हैं, प्राइवेट लोगों के लिए हैं। जैसे स्पेशली आज़ादी वीक इस वक्त मनाया जा रहा है, जिसमें 7 दिन के लिए डिस्काउंट ऑफर की गई हर एक को 50% तक। तो कि एक लेवल के तबके के लोग जो साल में एक दफ़ा पिज़्ज़ा खाने की गुंजाइश रखते हैं, उनके लिए भी कोई डिस्काउंट है कि? जो लोग साल में, मैं समझता हूँ कि एक दफ़ा फ़ास्ट फूड या दो दफ़ा या चंद दफ़ा खाना चाहते हैं, तो उनके लिए स्पेशली इन्होंने पैकेज बनाए हैं। जैसे ये आज़ादी वीक है, इसके अलावा 6 सितंबर को उनका टारगेट है, न्यू ईयर नाइट होंगी, उस तरह मुख्तलिफ जो है वीक्स वो मनाएंगे। मैं समझता हूँ एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है सियालकोट के लोगों को, जो स्पेशली अफोर्ड करते हैं, जो अफोर्ड नहीं भी करते उनको भी उन्होंने मद्देनज़र रखा है, जिससे शहरी बेहतर से बेहतर फ्रेशमेंट से लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। पिज़्ज़ा की होम डिलीवरी के लिए भी आला वर्कर्स की टीम को जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता किया गया है। हमने लाइस के लाइस जो वैसे तनकीली निगाह से हर चीज़ को देखते हैं, खाने पीने दूसरी चीज़ों तनकीद की निगाह, हमने इसी सिलसिले में अपने ये एक रेस्टोरेंट बनाया है ब्रिटिश पजीरिया कैफ़े के नाम से। तो इसमें हमने क्वालिटी और स्टाफ पे पूरी नज़र रखी हुई है। इंशाल्लाह आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ, आपको लाइज के लिए हमने अपनी डिस्काउंट भी रखा हुआ है, और दो सब लोग फैमिलीज़ के लिए के साथ यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं, और हमने सालगिरह के लिए भी, बर्थडे बनाने के लिए भी पूरा इंतज़ाम यहाँ रखा हुआ है। सब दोस्तों से, सुनने वालों से यही रिक्वेस्ट है, ज़रूर यहाँ तशरीफ लाएँ और एक दफ़ा ज़रूर चेक करें। क्योंकि हमने आज जो है ना मोहम्मद आसम इकबाल देओ साहब के आनर में एक जो है ना वकला की पार्टी ऑर्गेनाइज़ की, जिसमें हमारी वकला बरादरी में हमारा फूड, हमारी क्वालिटी, इन्वायरमेंट को बहुत अप्रिशिएट किया। और मेरी सियालकोट की आवाम से जो है ना अपील है, आप हमारे ब्रिट्स पिज़्ज़ा पे तशरीफ़ लाएँ, हमारा फूड चेक करें, ओपन चैलेंज आप हमारा किचन जो है ना चेक कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर के हवाले से और फूड के हवाले से इंशाल्लाह ताला जो है ना हम बहुत बेहतर है। और हमने जो है ना इंडिपेंडेंस डे पे सियालकोट में पहली दफ़ा किसी रेस्टोरेंट ने जो है ना 50% ऑफ पे जो है ना फूड लगाया जो है ना, और इंशाल्लाह वह 14 से लेके 21 तक है। मेरी गुजारिश है अपने तमाम दोस्तों से, सियालकोट की आवाम से, कि आप ब्रिट्स पजीरा पे आएँ, पजेरिया पे आएँ, और इंशाल्लाह जो है ना आप ये 50% वाली जो डिस्काउंट ऑफर है इसको अवेल करें, और आइंदा भी इसके 21 के बाद भी जो है ना हम इंशाल्लाह डिस्काउंट की चलाते रहेंगे। तो मेरा यही है जो है ना बतौर CEO के आप जो है ना ब्रिट्स पजेरिया पे ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, और मैं अपनी तमाम वकला बरादरी का बहुत मशकूर हूँ, और स्पेशली जो है ना रिजवान साहब ने अपने जो दोस्त के आनर में जो है ना ये आज डिनर लंच ऑर्गेनाइज़ किया है, उसके लिए जो है ना सब दोस्तों का बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। इस मौका पर चौधरी साबर सलहरिया एडवोकेट, ओल्ड बॉयज़ के जनरल सेक्रेटरी मलिक काशिफ समेत दीगर सियासी, मजहबी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। आने वाले तमाम मेहमानों के लिए पुरतकल्लफ आला इंतजाम किए गए। आज रिजवान सलहरिया साहब ने, जो कि हमारे सीनियर वकील हैं सियालकोट कचहरी से और लंदन बेस हैं, इन्होंने अपने तैयार करदा ब्रिट पिज़्ज़ा के ऊपर आसम इकबाल देओ साहब के लिए एक फंक्शन का एहतमाम किया। आउट क्लास खाना, बड़ा कमाल का एनवायरनमेंट। मैं तो सजेस्ट करूंगा जितनी भी हमारी वकला की फैमिलीज़ और सब फैमिलीज़ को कि यहाँ पे आएँ, आके टेस्ट करें, इंशाल्लाह आपको फ्रेश फूड और अच्छी क्वालिटी और बड़े रीज़नेबल प्राइस के ऊपर मिलेगी। और बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आना, और उम्मीद है कि अल्लाह ताला की ज़ात इनके ऊपर करम करेगी और ये इनका रेस्टोरेंट जो है इसी तरह दिन रात तरक्की करेगा।
ब्रिट्स पिज़्ज़ा एंड कॉफ़ी शॉप पर आने वाले मेहमानों ने चौधरी रिजवान सरहरिया को मुबारकबाद देते हुए रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। चौधरी साबर सलहरिया एडवोकेट और चौधरी रिजवान सलहरिया ने आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। जी